साध्वी यौन शोषण मामले को लेकर सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम की पंचकुला सीबीआई कोर्ट में कल होने वाले फैसले के मद्देनजर जहां लाखों की संख्या में डेरा अनुयायी पंचकुला सहित चंडीगढ़ में डेरा डाल रहे हैं और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू की हुई है। उसी कड़ी में जोड़ते हुए आज हल्का गुहला में एसडीएम गुहला के नेतृत्व में आज पूरे प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें तहसीलदार सहित डीएसपी गुहला व रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियों द्वारा शहर के उधम सिंह चौक से लेकर अनाज मंडी गुहला व शहर के मुख्य मार्गों तक यह फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा कुछ अस्थायी जेलों का भी इंतजाम किया गया, जिसके लिए आज एफसीआई गोदाम के खाली पड़े गोदामों को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके मद्देनज़र एसडीएम गुहला ने हलका के मौजूद डेरा अनुयायी को निविनर्म निवेदन किया है कि वह शांति बनाए रखें और प्रशासन को सहयोग दें। गुहला चीका से राजपाल जिल्दन, आज तक टीवी न्यूज़। तो गुहला चीका में सुरक्षा क्या है, क्या इंतजाम है? गुहला चीका में किसी प्रकार का हाईलाइट जरूर है, लेकिन किसी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। गुहला चीका की जनता इतनी अच्छी है, इन्होंने आज से पहले भी इतिहास रहा है, कभी इस प्रकार की मौत को इन्होंने भड़कने नहीं दिया पब्लिक को। समझदार जनता है, आज भी वही करेंगे। हम सभी लोगों से तालमेल बनाए हुए हैं और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि गुहला चीके में ना कभी इतिहास में पहले हुआ, ना आगे होकर जनता ठीक रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास काफ़ी फोर्स यहाँ लगाई हुई है, जरूरत पड़ेगी उसकी कोई कमी नहीं है हमारे पास। सर, गुहला चीका एरिया है जो पंजाब से सटा हुआ है, क्या पंजाब की सीमाएं और हरियाणा की सीमाएं को सील किया गया है? सिर्फ हमने वहाँ नाकेबंदी शुरू कर रखी है, पंजाब पुलिस से हमारा तालमेल है और हमने ये भी सीमाएं बांध दी हैं, अगर पंजाब हरियाणा में पंजाब पुलिस की जरूरत पड़ती है तो वो इधर आएंगे, अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम जाएंगे। इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है कि वो पंजाब में रहेंगे। अगर कोई संवेदनशील कौन कौन से गांव घोषित किए गए हैं? कोई हमारे चीका में कोई संवेदनशील नहीं है, सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन हम पहले से अपने सजग रह करके हम आवाज नजर रख रहे हैं। इस सुरक्षा को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स से कितने जवान तैनात किए गए हैं? हमारे पे अभी तक जो फोर्स है हमारे पे 500-400 की गुहला डिवीजन के पास है, जरूरत पड़ेगी इसमें और कोई कमी की दिक्कत नहीं है। हमारे को उम्मीद है कि हमारे को फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता इतनी सजग है, यहाँ जागरूक है कि वो इस प्रकार का कोई काम नहीं होना। इस एपिसोड के मद्देनजर रखते हुए आप जनता को क्या संदेश देते हो? जनता को हम यही संदेश देते हैं कि भाईचारे की भावना कायम रखे, कोर्ट का मान करे, जो माननीय अदालत फैसला करेगी उसको सर्वोच्च न्यायालय उसको कोई भी कोई नहीं चाहता, मानना पड़ेगा और वो मानेंगे, सभी लोग मानेंगे, उसके अवेला कोई नहीं करेगा। मैं यही सभी को अपील करता हूँ बार बार कि उसकी मानना करें और जो इस प्रकार के दत्तव हैं उनको समझाएं, भी उससे ऊपर कोई नहीं होता, कोर्ट से नहीं होता, न्यायालय का मतवली होती न्याय देना, वो न्याय देंगे, गलत नहीं करेंगे। इस टाइम कोई दिक्कत नहीं किस तरीके की, हम ये फ्लैग मार्च आज कर रहे हैं, आज ये एसडीएम कोर्ट तक उधर बादल तक करेंगे और स्थिति पूरे नियंत्रण में है। डीएसपी साहब और मेरा आप पब्लिक से और साथ संगत से यह अनुरोध है, शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था को ना थपड़े हाथ लगाएं। सर, एफसीआई गोदाम को अस्थाई जेल घोषित किया गया है, ऐसी क्या घटनाएं हैं कि जो उनको एफसीआई को अस्थाई जेल घोषित किया गया है? तो क्या कोई ऐसी इनपुट मिली है प्रशासन को? वो खाली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, अगर मान लो लोग सड़कों पे आते हैं, रोड जाम करते हैं, उनको अगर टेम्परेरी अगर मान लो डिटेन करना है थोड़ी बहुत देर के लिए तो वहाँ करेंगे हम, उसको भी आइडेंटिफाई किया हमने, फाइनल लेटर तो जिला प्रशासन की तरफ से निकलेगा। सर, वो एफसीआई फाइनल कर दी गई है अस्थाई जेल? हमने रिकमेंड करें भेज दिया डीसी मैडम को, लेकिन सर उसमें ना तो पानी है ना लाइट है, आज हो जाएगी सारी सुविधा, टॉयलेट की, पानी पीने की, पानी की आज हो जाएगा। सर, फ्लैग मार्च का रूट क्या क्या रखा गया है? नहीं, राज मंडी से लेके चौक तक आए हैं, अभी हम यहाँ से आगे एसडीएम कोर्ट रेस्ट हाउस तक जाएंगे जी, उसके बाद बादल तक जाएंगे। सर, महिलाएं फोर्स का क्या बंदोबस्त है? महिलाएं फोर्स अभी हमारी कुछ है, बाकी पास है, अभी आ जाएंगी आज शाम तक। और सर, किसी डेरा समर्थक से आपकी बात हुई है या कोई आपने अपील की हो डेरा समर्थक से? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात मीटिंग 2-3 बार हो चुकी है, बाकी आज भी हमने मीटिंग बुला रखी है। ठीक है सर, कुछ कोई गांव संवेदनशील भी घोषित है इस पूरे उसमें? हाँ, 4-5 गांव है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर, कोई धार्मिक स्थल वगैरह की जांच की है? नहीं, हमने इसकी जो ये डेरा का जो ये है नाम चर्चा कर, इसको हमने विजिट किया है। ठीक है।